अगर से आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। मेक श्योर टू लाइक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद शाइना। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त, सीजन के हिसाब से जो आपको बहुत ही पसंद आई वो जबरदस्त रेसिपी है, बहुत यम्मी है। आज मैं बना रही हूँ फिश चीजी बॉल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाऊंगी। और ये बहुत ही इजी तरीका बनाने के लिए कोई खास चीजें मुझे नहीं, बहुत ही कम मैंने चीजें ली है। मैं आपको बता दूं मैंने क्या ली है। मैंने हाफ के जी मैंने ये फिश ली है, फिश एंड बोनलेस ली। इसको मैंने बॉयल कर ली, पहले बॉयल करके कर ली मैंने। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था, हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉयल कर ली, देख लें हाफ के जी। और एक मैंने बॉयल एग लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा करके रख लिया है, यानी क्रश करके रख लिया है। ये मैंने दो छोटे स्मॉल साइज के मैंने आलू लिए थे, उसको बॉयल करके छिलका उतार के रख लिया है। ये ब्रेड क्रम है। और ये दो मैंने अंडे लिए यानी एग लिए हैं, इसको मैं भी बीट करूँगी। और ये मैंने चीज़ ली है, देख सकते हैं आप चीज़ ली है, चेटर चीज़ और मसगर चीज़ दोनों मिक्स हैं। और ये मैंने मसाले लिए, मसालों में इतना खास चीज़ें नहीं डालनी मसालों में। मैं आपको बता दूं मैंने 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ जीरा लिया है, और छोटा थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून के से कम पिसा हुआ गर्म मसाला लिया है। और ये सब पहले मैं आलू को बीट कर लूँगी अच्छी तरह से, आलू को मिक्स कर लूँगी और ये फिश को अच्छी तरह रशिया रशिया कर लूँगी, फिर सामान इसमें मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने आलू को मैच कर लिया है, उधर रशिया रशिया निकाल लिए मैंने, इसके रशिया रशिया कर लिए फिश के। अब मैं फिश इसमें आलूओं में मिक्स कर दूँगी। ये देखिए कर दी मैंने इसमें मिक्स। अभी सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी, ये कर दिए मैंने, इसको साइड पर कर देंगे। अभी अंडा भी इसी में मिक्स कर दूँगी मैं, वाइट एग। अब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी इसको, ठीक है। ये देखिए इस तरह हम इसको इसकी बॉल बना लेंगे, जैसे ये बना रही हूँ वैसे ही बॉल बना लेंगे। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं छोटा बड़ा साइज। ये देखिए सही, इसमें ये बीच में करके इसमें चीज रखूंगी मैं। पहले मैंने आपको चिकन वेजिटेबल्स बॉल बनाना बताई थी, ये उसी तरह लेकिन थोड़ी डिफरेंट है इसकी, वो मैंने ब्रेड के अंदर रखा था, ये इस तरह रखेंगे। बना के रख लूँगी सारी बोले इस तरह, इसी तरह सारी बोले तैयार कर लेंगे। ये देखिए फिश चीजी बॉल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सबसे पहले अंडे में डिप करूंगी, फिर ब्रेड क्रम में डिप करूंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अंडे में डिप कर लिए अच्छे से, इसको हम ब्रेड क्रम में डिप करेंगे, दूसरे हाथ से करना है इसको। इसी तरह सारी कर लेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फिश चीजी बॉल रेडी हो चुकी है। अब ये इंतजार कर रही है मैं कब गरम गरम तेल में जाऊं, कब मेरे गरम गरम तेल में जाऊं। अब ये जाने वाली है बहुत ही झटपट। गरम गरम ऑयल मैंने पहले से गरम करने के रख दिया था, प्रीहीट होने के रख दिया था। अब मैं इसमें इसको डिप करूंगी। देखिए ऑयल मैंने प्रीहीट होने के रख दिया था पहले से ही। अब मैं एक एक करके इसमें बॉल डालूंगी। इसमें इतना जबरदस्त कलर आ गया इसके अंदर, सिर्फ ऐसे ही कलर देना है हमें।
लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। ये देखिए बिल्कुल कितना खूबसूरत कलर आया, आप देख सकते हैं ना, जबरदस्त कलर आया। इसको हम एक ही करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये जबरदस्त बनी है, क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है, बहुत मजा आएगा खाने में, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये चीजी फिश चीजी बॉल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और ये आपको आप 10 दिन के लिए फ्रीज भी करके रख सकते हैं इसको ना, आराम से 10 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं, बना के मटेरियल बॉल्स बना के इसे रख सकते हैं फ्रीज करके। देखिए इतनी जबरदस्त बनी है, मैं आपको उसको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए ये देखने जबरदस्त बनी है। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।